अगली बड़ी खबर जयपुर से, सीएम अशोक गहलोत लेंगे जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक। दोपहर 3 बजे सीएमआर में होगी जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक। सभी मंत्री रहेंगे इस बैठक में मौजूद। मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त और शासन सचिव आयोजना भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, जन घोषणा पत्र की समीक्षा को लेकर ये बैठक होनी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों के अधिकारी शामिल होने हैं। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे सीएमआर में यह समीक्षात्मक बैठक होनी है। जन घोषणा पत्र की समीक्षात्मक बैठक है जिसमें सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सभी विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त और शासन सचिव आयोजना भी बैठक में मौजूद रहेंगे और बाकी के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत जन घोषणा पत्र की समीक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे ये बैठक सीएमआर में होनी है, जिसमें सभी संबंधित मंत्री मौजूद रहेंगे, जिनमें मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त और शासन सचिव आयोजना उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। और विस्तार से इसी खबर पर हम जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, 3 बजे सीएमआर में होनी है। और इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज मेहरा फोन लाइन पर। नीरज, विस्तार से हमें जानकारी दें, जन घोषणा पत्र की जो समीक्षा बैठक होनी है, क्या मायने इसका निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, वापसी आज जो बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जन घोषणा पत्र की समीक्षा होगी, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि आज अजय माकन भी जयपुर में है, ऐसे में इस बात के कयास में लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री इस दौरान मंत्रियों से भी मंत्रिमंडल विस्तार और जिस तरह की कवायद पूरे प्रदेश में चल रही है, लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में जो हरी सफल हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, तो इसको लेकर भी ये जो बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ लोग जो ये बात भी कह रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी इस दौरान कुछ मंत्रियों से इस्तीफे ले लें, क्योंकि विभागों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस बात की चर्चा चल रही है उसके मद्देनजर ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक को दूसरे तरीके से बुलाया है जी, तो राजनीतिक मायने भी इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। लेकिन हालांकि जो सूत्र है उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन तक अजय माकन विधायकों से रायशुमारी करेंगे जी, उसके बाद विधायकों की क्या रायशुमारी आती है उसके बाद ही अगला कदम होगा। तो बैठक मुख्यमंत्री जी ने अलग विषय में बुलाई है, लेकिन क्योंकि राजनीति के गलियारे हैं और राजनीति के गलियारों में इस तरह की चर्चाएं होना आम बात है जी। और इसको मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी इस खबर की।